कैंटो टू लाइन नंबर 149. नॉट विद मोर ग्लोरीज इन द इथीरियल प्लेन. इथीरियल प्लेन प्लेन कहा जाता है जो बिल्कुल प्लेन हो, हमवार हो, लेवल में हो. इथीरियल स्काई को, आसमान को कहते हैं. कि ये जो आसमान है विद मोर ग्लोरीज, कि और ज़्यादा रोशनियाँ उस पर दिखाई दे रही हैं, और ज़्यादा खूबसूरती से वो चमक रहा है. ये सुबह का मंजर है, और बल्कि सुबह का नहीं, इसको आफ्टरनून ही आप कहेंगे. कि वहाँ पे आपने देखा ना कि वो जो लेडीज़ हैं वो जैसे ही उठती हैं, पहले तो वो लेट नाइट नाइट उनका सोने का जो है वो शेड्यूल है. उसके बाद जब सो के उठती हैं, उसके बाद जो बिलेट डॉक्सेज हैं, लव लेटर्स, वो देखती हैं, फिर रेडी होने लग जाती हैं, और शाम के करीब जो है वो घर से बनठन के बाहर निकलती हैं, जैसे कि बेलिंडा. फिर कहते हैं द सन फर्स्ट राइजेज ओवर द पर्पल मेन. अब कहते हैं कि ये जो आसमान जो नारंगी कलर में था वो और खूबसूरत लग रहा था, और ऐसे लग रहा था कि वो आज उसकी चमक दमक कुछ अलग तरह की है, कुछ नए अंदाज के साथ उसकी ग्लोरी जो हैं वो हाईलाइट हो रही हैं. देन इशूइंग फोर्थ द अराइवल ऑफ हिज बीम्स. अब क्या हुआ कि उसकी जो बीम्स हैं, उसकी जो रेज हैं, सूरज की शुआएं, वो जब आ रही थी उस ज़मीन पे पड़ रही थी. लॉन्च्ड ऑन द बूजम ऑफ द सिल्वर थेम्स. थेम्स को अंडरलाइन कर लें. थेम्स ये एक रिवर है, लंदन से भी होके गुजरता है, मतलब यूरोप का कह लें कि मशहूर तरीन दरिया. और लिटरेचर में इस पे बहुत कुछ लिखा गया है, इसके रेफरेंसेस को बहुत जगह पे ऐड किया गया है. विलियम ब्लेक भी आपको इसका जिक्र करता हुआ नज़र आएगा, आपने कीट्स की पोइम्स में इसका जिक्र पढ़ा होगा. उसके अलावा काफ़ी जगहों पर इसके रेफरेंसेज आते हैं. तो ये कहता है कि सिल्वर थेम, सिल्वर यानी चांदी की तरह जो है ना वो दरिया का पानी चमक रहा है, और जब सूरज की रोशनी उस पर गिरती है तो वो उस सारे सीन में और ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है. फेयर नेम्स, खूबसूरत लड़कियाँ, एंड वेल ड्रेस्ड यूथ्स अराउंड हर शोन. और जो बहुत ज़्यादा यंग पर्सनज हैं और ड्रेस्ड, जिन्होंने वेल ड्रेसिंग की हुई है, अच्छा खासा फैशनेबल जो है वो उनका बाय लुक नज़र आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? शोन, शोन कहा जाता है कि अपने आपको शो ऑफ करवाना, बन ठन के रहना. तो वो बेलिंडा के इर्द गिर्द ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, कि वो उसकी खूबसूरती से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं. और बिल्कुल ऐसे सीन है जैसे एक शमा और उसके गिर्द मुख्तलिफ परवाने हैं. बट एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर अलोन. कि वैसे तो बहुत सारे वहां पर लोग हैं, लेकिन हर एक की आंख बेलिंडा पे फिक्स है. On her white breast, a sparkling cross she wore. अब उसने अपने ब्रेस्ट पे यानी कि उसके वो बता रहे हैं कि क्रॉस जो है, क्रॉस क्योंकि ये एक रिलीजियस सिंबल है, एक सलीब का जैसे निशान होता है ना, वो क्रॉस उसने अपने गले में लटकाया हुआ है. और स्पार्कलिंग कि वो इतना खूबसूरत लग रहा है उसके सीने पे. विच ज्यूज माइट किस, कि जो यहूदी हैं अगर वो भी देख लें तो वो उसको किस करने लगे. हालांकि यहूदी जो होते हैं ना वो अपने बिलीफ में बहुत कटर होते हैं, किसी तरह से इतनी रिजिडिटी होती है ना अपने, यानी कि वो प्योर जो एक ज्यू है ना, जो एक यहूदी है, वो वही सिर्फ होता है जिसके माँ और बाप दोनों यहूदी हों. अगर माँ यहूदी नहीं है या बाप यहूदी नहीं है तो बच्चा भी यहूदी नहीं हो सकता. और यहवाहद ऐसा मज़हब है जिसको कोई इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी एक्सेप्ट करने के बाद उस मज़हब में दाखिल नहीं हो सकता. उसके लिए दोनों का ज़रूरी है कि वो ब्लड में कोई मिलावट ना हो, किसी किस्म की प्योरिटी रहे. तो ये और इनकी कुछ आगे आदात ऐसी हैं कि आपस में इनकी यूनिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे दुश्मनी भी होती है लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो उनमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते हुए आप देखेंगे किसी और नेशन या किसी और रिलीजन का. ये वजह कि थोड़ी सी तादाद में हैं ये लोग, लेकिन तकरीबन पूरी दुनिया के जहनों पे कम अज़ कम जो है ना ये हुकूमत कर रहे हैं. और बहुत ज़्यादा ये इनका जो है ना आप कह लेंगे किनिंगनेस है, लेवर है. खैर यहाँ पर रिजिडिटी भी शो की गई है कि वो लोग जो अपने मज़हब को किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, अगर वो इसके यहाँ देख लें कि इसके जो है वो गले में क्रॉस लटका हुआ है जो कि ईसाइयों का मुकद्दस निशान है, तो वो भी देख के उसको किस कर लें, यानी इतनी खूबसूरती से वो अट्रैक्ट हो जाएं. और फिर साथ ही क्या हो, एंड इन फील्ड्स एडोर. और इन फाइडल्स जो होते हैं ये वो लोग जो किसी दीन को नहीं मानते, यानी ये कहते हैं कि दुनिया जो है खुद ब खुद वजूद में आई, कोई क्रिएटर नहीं है, कोई दुनिया को बनाने वाला नहीं है, नाउज़ बिल्ला.
यानी इनका बिलीफ नहीं होता किसी भी खुदा पे और किसी भी दुनिया के दीन पे, ये ईमान नहीं लाते। तो कहते हैं कि ये भी ऐसे लोग जो अल्लाह ताला की वजूद पे यकीन नहीं रखते, वो भी जब ऐसे सीन को देख लेंगे कि बिलिंदा अपने गले में एक रिलीजियस क्रॉस लटकाए हुए घूम रही है, तो वो उसकी इबादत करने लगेंगे। हर लिवली लुक्स आर स्प्राइटली माइंड डिस्प्लेस। तो अब उसकी जो लिवली लुक है, यानी इतनी खूबसूरत अंदाज में जो उसने अपने आप को सजाया संवारा हुआ है, वो लोग जैसे ही जो है वो उसकी तरफ देखते हैं, तो उसके माइंड डिस्क्लोज कि उसके जहन का पता, यानी उसका माइंड जो है वो हैप्पी है। उसके ऐसे होता है ना कि अगर इंसान अंदर से गमगीन है तो उसकी बातों से या उसके चेहरे पे उसके दुख की झलक नज़र आती है, और अगर वो इंसान अंदर से बहुत खुश है तो वो खुशी जितना भी छुपाने की कोशिश करेगा, उसकी खुशी का पता उसकी आँखें, उसकी मुस्कुराहट, उसके अंदाज से पता चलेगा। तो कहते हैं कि उसके जहन का पता जो है ना, वो उसकी लिवली लुक से लग रहा है, उसकी ज़िंदा दिली से लग रहा है। क्विक एज हर आइज एंड एज अनफिक्स्ड एज दोस, कि वो ये, लेकिन वो जो है वो किसी की कोई केयर ही नहीं कर रही, यानी अनफिक्सिंग आइज है उसकी, कि वो किसी की तरफ कोई, चाहे वो चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई आगे उसके लड़की है या लड़का खड़ा है, वो किसी को गौर से देखती ही नहीं है। फेवर्स टू नन टू ऑल शी स्माइल्स एक्सटेंड। अब वो लोग जो उसके पास आते हैं उसके पास खड़ा होने के लिए या बात करने के लिए, सबके सामने वो एक मुस्कुराहट पेश कर देती है। ऑफन शी रिजेक्ट्स, और फिर वो उनको रिजेक्ट भी करती है, बट नेवर वंस ऑफेंड, लेकिन इतने मीठे अंदाज में, इतने अच्छे अंदाज में कि कोई भी, अब ये जो रिजेक्शन है ये इस तरह की है कि वो लोग उसे गॉसिप्स के लिए कहते हैं कि हमारी कंपनी ज्वाइन करो, या डांसिंग के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, शाइस्तगी के साथ, कोर्टियस मैनर को यूज़ करते हुए वो उनको रिफ्यूज़ कर देती है, और वो लोग नाराज़ भी नहीं होते उससे। ब्राइट एज द सन, इतनी वो रोशन और चमकदार और फ्रेश लग रही है जैसे सूरज है। हर आइज द गेजर्स स्ट्राइक, कि वो लोग जो उसकी तरफ जो गेजिंग कर रहे हैं ना, जो उसको देख रहे हैं, OFT ऑफन को कहा जाता है, ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ऑफन को ऑफ्ट लिख दिया जाता था, लेकिन आप लिखने में अगर ये करेंगे ना, कोटेशन ऐड करेंगे यही वाली, तो लिखने में ऑफ्ट ही लिखना है, लेकिन पढ़ने में ये ऑफन आएगा। इसका मतलब होता है अक्सर, कि अक्सर उसने ज़्यादातर लोगों को जो है वो रिजेक्ट किया। तो उसके बाद जो है ना, आगे देखें, गेजर्स की बात करिए, गेजर्स कहा जाता है देखने वाले, कि उसको जो देख रहे थे लोग, वो उसकी चकाचौंध, जैसे चांद होता है बहुत तेज़ रोशनी जब वो फैला रहा होता है, तो आप उसको ऐसे ध्यान से, इवन कोई लाइट भी ऑन हो तो आप ज़्यादा देर उसकी तरफ नहीं देख सकते, आँखें चुंधियाने लगती हैं। तो कहते हैं कि बेलिंडा का हुस्न देख के लोगों की आँखें चुंधिया रही हैं, मतलब यहाँ पर मेजरी की और एग्रीगेशन की इंतहा की हुई है राइटर ने। एंड लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल अलाइक, तो जैसे सूरज होता है ना, वो हर एक पे बराबर मेहरबान होता है, मतलब सबको वो एक जितनी रोशनी और एक जितनी हीट प्रोवाइड कर रहा होता है, वैसे ही इसका हाल है कि ये सबके साथ ही बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगु कर रही है, कि हर किसी को लगता है कि बस वो मेरे साथ जो है ना बहुत ज़्यादा उसकी अटैचमेंट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उसकी आदत है। येट ग्रेसफुलीज एंड स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड, फिर क्या होता है, फिर कहते हैं कि ये लड़कियां जो अपना बड़ा ग्रेसफुल ईज, यानी अपना जो अंदाज़ है वो इस तरह का रखती हैं कि उसमें ग्रेसफुल उनका ऑनर नज़र आता है, एंड स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड, और ऐसी स्वीटनेस अपने लहजे में रखती हैं जिसमें गुरूर नहीं होता। यानी कि वैसे तो आप किसी भी छोटे बच्चे को भी अगर वो आपसे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, आप रिफ्यूज़ करोगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, लेकिन बिलिंडा से कोई नाराज़ नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, वो सब अब यहाँ पे राइटर एक्सपोज कर रहा है कि अगर कोई भी औरत है तो वो अपने लहजे में एक मीठापन रखती है, तो जब वो किसी से बात करेगी तो चाहे वो बात कड़वी ही क्यों ना हो, लेकिन अगला बंदा उस बात को सुन के ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। तो ये रीज़न है कि फिर बिलिंडा भी यही उसकी स्ट्रेटजी है, वो सबके साथ ही इस तरह से बात कर रही है कि कोई भी उससे नाराज़ नहीं हो रहा। माइट हाइड हर फॉल्ट्स इफ़ बेलिस हैड फॉल्ट्स टू हाइड, फिर यहाँ पे जो है ना वो बात करते हैं कि वो लड़कियाँ
जिनमें कोई ना कोई फीमेल एरर यानी निस्वानी कशिश की कमी होती है, या बाय लुक अगर वो खूबसूरत नहीं होती, या कोई भी रीज़न होता है कि यानी जिस तरह होते हैं ना, नो बडी इज़ परफेक्ट, तो कोई ना कोई खामी या कोई ना कोई कमी ज़रूर सब में होती है। तो कहते हैं कि वो औरतें जिनमें कोई कमी या खामी मौजूद होती है ना, तो अगर ये इस अंदाज में यानी अपनी गुफ्तगू वो अच्छे तरीके से या अच्छे अहलाक रखती हैं, तो फिर कोई भी उनकी अगर उनमें कोई खामी है भी तो उसको आसानी से भुला सकता है। लुक ऑन हर फेस एंड यू विल फॉरगेट इन ऑल। फिर कहते हैं कि ये बेलिंडा जो इतनी खूबसूरत है, जब आप उसे देखोगे तो उसके अंदर अगर कोई फॉल्ट्स हैं भी तो आप सब भूल जाओगे कि उसका अहलाक इतना अच्छा है और उसके चेहरे की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है। दिस नेम फिर अंडरलाइन ये भी कर लीजिएगा, बेलिंडा के करेक्टर में आप ऐड कर सकते हैं उसकी लुक्स बताने के लिए। लुक ऑन, फिर कहते हैं दिस नेम फॉर ये लड़की बेलिंडा टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। ये तो इंसानियत के लिए या इंसानों के लिए डिस्ट्रक्शन है, तबाही है। नॉरिश टू लॉक्स, लॉक कहा जाता है लट को, बालों की एक लट कि नॉरिश, इसने अपनी जो दो लटे हैं बाल हैं उनको बड़ा नॉरिश किया हुआ है, सजाया हुआ है विद ग्रेसफुल हैंग बिहाइंड, इनको इक्वल कर्ल्ड और दोनों में जो कर्ल्ड हैं वो बिल्कुल इक्वल डाले हैं, एंड वेल कंस्पायर टू डेक और बहुत अच्छे तरीके से उनको सजाया गया है विद शाइनिंग रिंगलेट्स हर स्मूथ आइवरी नेक। और उसकी नेक को कहा गया कि आइवरी यानी ऐसी जैसे दूधिया गर्दन है उसकी, और उसमें उसने शाइनिंग कुछ रिबन्स लगाए हुए हैं जो बड़े चमकदार हैं, तो उसके बालों की खूबसूरती और ज़्यादा नज़र आ रही है। लव इन दीज लेब्रेंस इज स्लेव्स डिटेन्स एंड माइटी हर्ड्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन्स। अब कहते हैं कि ये जो उसकी लेब्रिंट्स हैं, लेब्रिंट्स ऐसे रास्तों को कहा जाता है कि जैसे एक गेम होता है ना, एक भूल भुलैया होती हैं, आप सम टाइम ये अखबारों पे देखते होंगे या कोई भी बच्चों वाला फिक्शन है, उसमें ऐसे रास्ते बनाए गए होते हैं और वो कहा गया होता है रास्ता तलाश करें, भूल भुलैया होती हैं। तो कहते हैं कि ये भूल भुलैया हैं, मतलब जहाँ पे रास्ता या मंजिल तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, तो ये भूल भुलैया कहाँ पे हैं, ये उसकी लटों में, उसके बालों में, कि उसके बालों को ही सिर्फ देखे तो कोई उससे मोहब्बत अगर करने लगेगा तो ये एक किस्म का ऐसा रास्ता होगा जिसकी मंजिल बहुत मुश्किल से उसे मिलेगी। तो फिर कहते हैं कि स्लेव्स रिटेन यानी कि जो स्लेव्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनको डिटेल बार बार किया जा रहा है, मतलब जो भी है उसके बालों को देख रहा है कि वो इतने खूबसूरत अंदाज में उसने उनको सजाया हुआ है, वो उसका आशिक बल्कि उसका गुलाम बनता जा रहा है। एंड माइटी हर्ड्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन्स, और ये जो पतली पतली छोटी छोटी जंजीरें हैं, अब जंजीरें तो देखिए ना बड़ी ऐसी मजबूत होती हैं, इतनी स्ट्रांग होती हैं कि कोई भी इंसान जो है वो उसके लिए उनको तोड़ना कम अज़ कम इंसानी ताकत से बाहर होता है। तो कहते हैं कि ये जो चेन्स है स्लेंडर, मतलब मामूली पतली सी छोटी छोटी सी तो उसकी चेन्स हैं बालों की, लेकिन इनकी पकड़ बहुत मजबूत है कि जो इनकी गिरफ्त में आएगा वो आसानी से निकल नहीं सकेगा इन बालों के फंदे से। विद हेयरी सरप्राइज वी द बर्ड्स बिट्रे, कहते हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा सा कह लें कि फिलोसफिकल मूड है, फिलोसफिकल टोन है यहाँ पे राइटर की। कहते हैं कि हमें कोई मामूली सी चीज़ भी हो ना तो उसको मामूली समझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं विद हेयरी स्प्रिंग की एक बाल भी जो है ना, वो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डिनाई नहीं करना चाहिए उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी स्ट्रेंथ को। स्लाइट लाइंस ऑफ हेयर सरप्राइज द फिनिप्रे, यहाँ पे बर्ड्स की मिसाल दे रहा है कि परिंदे जो हैं आसमान पे कितनी ऊंची परवाज करते हैं, लेकिन जब किस्मत इनकी बुरी होती है तो ज़मीन पे पड़ा हुआ जाल जो इतना बारीक होता है कि वो इन्हें नज़र ही नहीं आता, तो वो जब जाके बैठते हैं उस पर और उसमें फंस जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी के लिए कैद हो जाते हैं, और बाज तो उधर ही मर जाते हैं, बहुत कम होते हैं जिनको दोबारा से आज़ादी मिलती है, लेकिन तब तक वो उस कैद के इतने आदि हो चुके होते हैं कि आप उनको उड़ा भी दो तो वो दोबारा उसी पिंजरे पे आके बैठ जाएंगे, क्योंकि अब उसके बगैर उनका दिल ही नहीं लगता। और लिटरली ये परिंदों के साथ होता है, अगर कोई भी आप पैरट ले लेते हैं
कोई भी पिजन ले लेते हैं, उसको कुछ देर तक आप मुसलसल रखें। पहले वो चीखता चिल्लाता है, निकलने की कोशिश करता है बार बार, वो यही चाहता है कि बस आज़ाद हो जाए किसी तरह से। लेकिन जब वो गोथ्रू हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है वहाँ पर रहने की, तो फिर बस निकाल दें आप उसको और बेफिक्र हो जाएं। फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उड़ान जो है वो दीवार तक होगी, छत तक होगी, फिर वापस वो उधर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि यही होता है कि अगर ये बाल जो इनको कोई मामूली समझेगा तो बस इसमें गिरफ्तार होकर रह जाएगा सारी ज़िंदगी के लिए, आज़ादी अपनी खो देगा। फेयर ट्रेसेस वे ये उसके जो है ना बालों को कह रहा है कि ये जो बहुत नर्म सी नाजुक सी उसकी लटें हैं बालों की, मैंस इंपीरियल रेस इन स्नेर, कि ये इंसान जो इंपीरियल रेस से बिलोंग करते हैं यानी बड़े बड़े शहनशाह, ये जो है वो थोड़ा हिस्टोरिकली चला गया कि जितने भी हम देखते हैं ना कि ज़्यादातर जो हुकूमतें तबाह की गई हैं या हुई हैं किसी तरह से, उसमें ज़्यादा रोल जो है वो लेडीज़ की कंस्पायरसीज का ही था या फिर मोहब्बत के लिए वो किया गया। मतलब जंग का जो है ना वो एट उसकी एंड जाके देखें, रूट्स देखें, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक औरत का मामला ही होता है। तो कहते हैं कि जैसे ये शाही नस्लें होती हैं, ये भी इन्हीं बालों की लटों में गिरफ्तार होके तो अपना आप लोग ये सब गंवा बैठे थे। एंड ब्यूटी ड्रॉज अस विद अ सिंगल हेयर, और कहते हैं कि खूबसूरती क्या है, यानी कि खूबसूरती के लिए परफेक्टनेस होना ज़रूरी नहीं है, कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक मुकम्मलपन जो है वो अलग है, परफेक्ट जिसको आप कहते हैं वो अलग चीज़ है, जो खूबसूरती है वो अलग चीज़ है। और फिर कहते हैं कि खूबसूरती जो है ना वो जो देखने वाले होते हैं उनको तो एक बाल में ही नज़र आ जाए, बाकी चीज़ें तो एक अगर जो है ना वो अगर बिल्कुल सिंपल मीनिंग्स में लें तो मतलब इंसान है कि अगर एक इंसान दूसरे को पसंद करता है तो पसंद करने के लिए सिर्फ एक बाल की क्या वैल्यू होती है, सिर्फ एक बाल, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन फिर भी कहता है कि बस जब बहाना सही होता है ना, किसी को लाइक करना होता है तो इतना भी काफ़ी हो जाता है। एंड ब्यूटी ड्रॉज अस विद द सिंगल हेयर, कि एक सिर्फ बाल हो तो बस उससे भी मोहब्बत हो जाती है, उसमें भी खूबसूरती दिख जाती है। द एडवेंचरस बैरन द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड, अब यहाँ पे वो जो रियल स्टोरी है वो स्टार्ट हो रही है। कहते हैं कि अब जो बैरन जो बड़ा एक एडवेंचरस पर्सन था, हमेशा एडवेंचर को लाइक करता था, उसने उसके बालों को देखा और अब वो उससे इम्प्रेस हो गया और बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगा। He saw, he wished, and to the prize aspired. अब उसने जो है वो देखा, उसके बालों को बड़ा पसंद किया, बड़ी उसकी तारीफ की और उसे हासिल करने का उसने इरादा कर लिया। अब यहाँ पे रियल नेम जो है वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बैरन है लेकिन हकीकत में उस करेक्टर का नाम जो था वो लॉर्ड पीटर था। फिर कहते रिजॉल्ट विन, कि अब उसने इरादा कर लिया, मजबूत इरादा, कि अब मैंने इन बालों को हासिल करना है, ये एक प्राइज़ की तरह होगा जो मैं जीतूँगा, एक ट्रॉफी होगी मेरे लिए। ही मेडिटेट्स द वे, अब वो सोचने लगा कि कौन सा तरीका होगा उसके लिए, कौन सा जो है वो उसे ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा जिससे वो बाल हासिल कर सके उसके, बाय फोर्स टू रेविश और बाय द फ्रॉड बटरे, कि क्या धोखेबाजी से उसे हासिल करें या फिर रेविशनेस यानी ज़बरदस्ती करके उन्हें छीन लें। फॉर वेन सक्सेस आर लवर्स ट्रायल द टेंट्स, क्योंकि क्या कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज़ होता है, चाहे वो धोखा ही क्यों नहीं होता, फ्रॉड ही क्यों नहीं होता, लेकिन अगर उसका इंटेंशन ये होता है ना कि महबूब को हासिल करना है तो कहा जाता है कि सब चलता है। जैसे इसी तरह जंग की बात है ना, तो जंग में अगर अकॉर्डिंग टू कुरान पाक आप देखते हैं तो आयात में मफहूम जो है ना वो ये बताया गया है, सूरह अनफाल गालिबन, कि इंसान जो जब आप यानी सहाबा इकराम के लिए कि जब आप साफ बंदी कर लेते हैं जंग लड़ने के लिए तो फिर पेशकदमी ही हो, फिर आप वापस अपने स्टेप्स बैक नहीं ले सकते। हाँ, एक सूरत में कि अगर आपकी ये ट्रिक इसलिए हो कि दुश्मन जो है वो ये समझिएगा कि ये अब हार मान चुके हैं, ये पीछे हट गए हैं और आपने किसी और साइड से उन पर दोबारा अटैक करना हो या आपके लिए हेल्प नहीं आई तो उस हेल्प का वेट करने के लिए आपने स्टेप बैक लेना हो, तो फिर उस सूरत में सिर्फ इजाज़त है, अदरवाइज जो कोई मुंह मोड़ेगा तो वो काफिरों में से होगा। तो
ऐसे ही जो है ना, वो मतलब ये बात कही गई कि जंग और मोहब्बत में सब जायज़ होता है, यानी कि उसमें जो है वो कुछ भी, जैसे हम सूफिया कराम के बड़े किस्से सुनते हैं या ऐसे कुछ औलिया कराम की बातें जो आम इंसान की समझ में नहीं आती, तो वो क्या था, वो उनके इश्क की मिराज थी जो ऐसी चीज़ें उनसे हुई, यानी कि आम इंसान देखते हैं वो, उन पे फतवे भी लगे, काफिर तक कह दिया गया, कहा गया, मुल्हिद भी कहा गया कि ये तो किसी खुदा को मानते ही नहीं है, लेकिन एट द एंड जो है जब वो लोगों को कुछ थोड़ी बहुत भी समझ आई तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये हमारी सोच की पहुंच से बहुत दूर ये बातें। तो ये भी कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, ज़बरदस्ती उसे हासिल अगर कर लूं तो, क्योंकि मुझे मोहब्बत हो गई है तो वो बाल जो हैं वो एक तरह से मेरी लवर के हैं, मेरी बिलव्ड के हैं, तो अब वो अपने जहन में, क्योंकि वो जिस पे मोहब्बत हो उसकी हर चीज़ ही अपनी लगती है, तो वो समझते हैं कि बस अगर मैं इसे ज़बरदस्ती भी हासिल करता हूँ तो भी ये चीज़ मेरी ही है एक तरह से, अगर किसी तरह से फ्रॉड करके, धोखाबाजी करके उसे किसी तरह वरगला के हासिल करता हूँ फिर भी वो मेरी है, तो अब वो वे सोच रहा है कि किस तरीके पे चल के जो है वो जल्दी उसको हासिल कर सकता है। तो ट्रायल कहा जाता है सख्त मेहनत को। अब उसकी मेहनत जो है ना वो बड़ी जो है वो उसने क्योंकि सोचा है, तो अगर कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो उसकी सख्त मेहनत आखिरकार रंग ले ही आती है। फ्यू आवर्स की फ्रॉड और फोर्स अटेंड हिज एंड। अब कहते हैं कि जब कोई हासिल कर लेता है अपना मकसद, कोई भी शख्स है चाहे उसका कोई भी मकसद है, यहाँ से स्टार्ट कर लें कि किसी अपने कह लें कि किसी महबूब को हासिल करने की ख्वाहिश, यहाँ से लेके किसी बड़े मकसद तक अल्लाह ताला को हासिल करने तक कर लें, यानी इश्क के मजाज से इश्क के हकीकी तक, या दुनियावी काम जो होते हैं, कोई पोस्ट हासिल करना, कोई अमाउंट अपने लिए कोई फिगर सेट कर लेना, कितने पैसे कमाने हैं वो कमा लेना, या इस तरह से बहुत कुछ होता है। तो कहते हैं कि जब भी, खैर ये तो होता है कि उस टारगेट को हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात बड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हैं, फेस करनी पड़ती हैं इंसान को, लेकिन जब इंसान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो उससे कोई नहीं पूछता कि इसको हासिल करने के लिए तुमने क्या क्या किया, बस उसको ये कहा जाता है कि यू आर द विनर, और इंसान भी अपने आप को कहता है कि हाँ मैंने विन कर लिया। तो कहते हैं कि बस ये भी अब फ्रॉड करे या ज़बरदस्ती छीने जो भी करे, तो जब ये हासिल कर लेगा इससे कोई भी नहीं पूछेगा, बस ये एज अ प्राइज दिखाता रहेगा सबको कि देखो मैंने हासिल कर लिया। फॉर दिस ओवर फोबियस रोज ही हैड इम्प्लोर्ड। अब फोबियस ज़ियस को कहा जाता है, ज़ियस रोमन गॉड था, उसको सूरज देवता भी कहा जाता था, यानी सबसे मोस्ट सीनियर गॉड ऑफ रोमन्स एंड ग्रीक्स कह ले कि वो ग्रीक्स का, पूरे यूनानियों का जो सबसे अजीम और सीनियर देवता था वो वही था, और उसकी वो बड़ी इबादत किया करते थे। तो कहते हैं कि जैसे ही सूरज जो है ना वो तलू होने वाला था तो बैरन ने उससे दुआ करना शुरू कर दी। अब यहाँ पे देखें ये जो गॉड्स और गॉडेसेस वगैरह का जिक्र आता है, ये एक एपिक में बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को मेंशन करना। तो अभी क्योंकि 18th century चल रही थी, 17th, तो वहाँ पे तो ये चीज़ जो है वो कोई एक्सेप्टेबल थी ही नहीं ना उनके लिए, क्योंकि वो तो बड़े एडवांसमेंट अब आ रही थी उनकी सोसाइटी में। तो अब इसने मॉक लिए उनका जिक्र किया हुआ है, तो फिर मॉक फीचर्स जो है ना वो मॉक एपिक के फीचर्स उसमें ये पूरा उतरती है चीज़। तो कहते हैं कि अब उसने फोबियस के तुलू होने से पहले, यानी सूरज देवता के निकलने से पहले पहले उससे दुआ मांगी, प्रोपिशियस हेवन एंड एवरी पावर एडोर्ड, और फिर प्रोपिशियस यानी कि जो जितना पूरा आसमान जो है और आसमान पे रहने वाले जितने भी देवी देवता थे सबसे उसने हेल्प मांगना शुरू कर दी है, कि नेकी की ताकतें भी और गुनाह की ताकतें भी, कि कोई तो उसकी हेल्प करेगा। तो अब वो उसने इबादत करना शुरू कर दी सबकी, बट चीफली लव टू लव एंड आल्टर बुल, फिर उसने ये किया क्योंकि उसका मेन मकसद क्या है, मोहब्बत, मोहब्बत को हासिल करना चाहता है वो, टू लव एन आल्टर बिल्ड, तो उसी मोहब्बत के लिए उसने कुर्बानगाह तैयार की है ऑफ 12 वेस्ट फ्रेंच रोमांसेस नीटली गिल्ड। अब उसने अपने पास जो उसकी रोमांटिक बुक्स पड़ी हुई थी पूरी 12 किताबें, ठीक है, अब उसने क्या किया, नीटली गिल्ड यानी उसकी जिल्द भी बहुत साफ सुथरी है, बड़ी उसको हिफाजत से रखा गया था उन किताबों को, जैसे कह लें ऐसे जो है ना रोमांटिक स्टोरी या फोक स्टोरीज होती हैं, जैसे हीर रांझा, सिसी पुन्नू, सोनी मेवाल,
और इस तरह से मैंने हर कल्चर में अपनी अपनी जो है वो ये स्टोरी होती है। तो कहते हैं कि उसने बहरहाल ऐसी स्टोरीज ली, 12 बुक्स थी और उसको उसने उस कुर्बानगाह पे रखा। तो उसके बाद उसने साथ ही ये किया, दे ले 3 गार्टर्स, हाफ अ पेयर ऑफ ग्लव्स। फिर उसके पास उसका जो है वो एक पेयर ऑफ ग्लव, यानी एक सिर्फ उसका जो है ना वो ग्लव दस्ताना, वो उसके पास था उसकी किसी महबूबा की निशानी के तौर पे। उसके बाद उसकी जो गार्टर्स थी, यानी पहले जो उसकी ये सारी की सारी जो निशानी है ना, ये उसकी पहली लवर्स जितनी भी थी, ये उन सब की उसने इकट्ठी की हैं, मोहब्बत के तोहफे हैं। एंड ऑल ट्रॉफीज ऑफ हिज फॉर्मर लव्स, ये इससे पहले सब का जो उसकी मोहब्बतें हैं सारी की सारी, उनको इकट्ठा किया उन निशानियों को, विद टेंडर ब्लड डॉग्स। फिर उसमें मोहब्बतों बड़े खतूत भी उसे मिले, ही लाइट्स द पायर। पायर कहा जाता है चिता को, कि उन सब की एक चिता बनाई उसने और उसको आग लगा दी, सबको जला दिया, क्योंकि अब उसका मकसद बहुत बड़ा है तो उसके लिए ये कुर्बानी बहुत छोटी है। तो हालांकि अटैचमेंट जो है वो आप देखते हैं कि आप कोई ऐसी सिर्फ एक प्लांट लगा लें छोटा सा, तो वो उसकी आप बड़ी केयर करें, पानी दें, वो मुरझा जाए या उसको आपको कट करना पड़े तो बड़ा बड़ा इंसान परेशान होता है, तकलीफ होती है। तो उसकी अटैचमेंट भी थी उन सारे गिफ्ट्स के साथ, उन सारी चीज़ों के साथ, लेकिन जब इसने जला दिया तो फिर इसके जो है वो दिल में ये बात आई कि ये जो है, क्योंकि तकलीफ़ भी इसे हुई लेकिन इसके जहन में वो मकसद यही था कि मुझे अपनी महबूबा को हासिल करना है तो उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, तो ये सोच के ये बर्दाश्त कर गया। एंड ब्रेथ्स 3 एमरस 6 टू रेज द फायर। और फिर कहता है कि उसने 3 दिल जलाने वाली आहें भरी, बड़ी शौक से और बड़ी मोहब्बत से, तकलीफ भी थी उसमें। तो फिर वो नाहों से क्या हुआ कि वो जो आग जल रही थी वो और ज़्यादा भड़क उठी। देन प्रोस्ट्रेट फॉल्स एंड बैग्स विद एडेंट आइज। अब उस शख्स ने, यानी मुंह के बल वो गिर गया बैरन, और अपनी आंखें जिनमें उम्मीद की किरण रोशन थी, उसके साथ दुआ की कि जल्द अज जल्द उसे बेलिंडा की जो वो लॉक्स हैं, जो लटे हैं, वो मिल जाएं। द पावर्स गेव ईयर। अब वो जो ताकतें थी, आसमानी ताकतें, उन्होंने उसकी बात सुनी। एंड ग्रांटेड हाफ हिज प्रेयर, लेकिन क्या किया, आधी दुआ उसकी कबूल कर ली। यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा रिलीजियस को लेके भी सेटायर है कि इंसान जो कुछ चाहता है ना वो उसे हमेशा कंप्लीट नहीं मिलता। बाज़ औक़ात इंसान जो है ना वो उसे वो कोई भी चीज़ उस वक्त मिलती है जब उसे उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और बाज़ औक़ात इंसान जो है वो मांगता रहता है, उसके अल्टरनेट कोई और चीज़ मिल जाती है, मतलब कि कम्प्लीटली, या फिर वही चीज़ उस टाइम में मिलती है कि जब अब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे इंसान जो है वो अपनी यूथ सारी ऐसे वेस्ट कर देता है कि अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है, और ये चीज़ें उसको अगर बुढ़ापे में जाके मिलें तो फिर वो क्या करेगा। तब तक तो वैसे वो अच्छा खाना भी नहीं खा सकता, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं, शुगर है, बीपी इश्यूज हैं, बहुत कुछ ऐसा है कि वो फिर पेट भर के अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकेगा, डाइट भी उसकी अच्छी नहीं होगी, तो बाकी चीज़ें जो उसकी इंजॉयमेंट करने की ख्वाहिश है, लॉन्ग टूर्स हैं, वो कैसे पूरे होंगे। तो यहाँ पे भी जो है ना थोड़ा सा सटायर है, एक हिडन सटायर ऑन रिलीजियस, कि कहते हैं कि वो उसकी जो दुआ है ना वो आधी पूरी कर ली गई थी। द रिजल्ट द विंड्स डिस्पर्स्ड इन एम्प्टी एयर, और बाकी जो दुआ थी वो उसकी इधर उधर हवा में ही बिखर के रह गई, मतलब वो किसी काम नहीं आई। उसने ये कहा था कि मुझे उसकी लटे मिल जाएं और फिर मेरे पास ही रहें, लेकिन अब आधी दुआ, वो हम आगे चल के देखेंगे कि ये हाफ किस सेंस में राइटर ने कही है। बट नाउ सिक्योर द पेंटेड वेजल ग्लाइड्स। अब जो पेंटेड वेजल है वो जहाज़ जो बड़ा रंगीन है, और ये जहाज़ वो है जिस पे बेलिंडा और उसकी जो बाकी सब साथी हैं वो बैठे हुए हैं और हैम्पटन कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हैम्पटन कोर्ट को अंडरलाइन कर लें, हिस्टोरिकल प्लेस है और लिटरेचर में भी इसकी काफ़ी वैल्यू है। और उस टाइम के लोग जो थे वो क्वीन एन के साथ वहाँ पे बैठ के कुछ मीटिंग्स वगैरह उनकी हुआ करती थी, और ऐसे ही सेरेमनीज, जैसे कह लें कि आजकल तो लोग क्लब्स में जाते हैं, वहाँ पे फिर रिजॉर्ट के तौर पे वही उन्होंने हैम्पटन कोर्ट को ही फिक्स किया हुआ था, और एलीट क्लास से बिलोंग करने वाले लेडीज और बॉयज जो थे, जेंट्स जो थे, वो वहां पे जाया करते थे।
तो कहते कि अब ये रंगीन जहाज है ये मुड़ गया, क्योंकि उस टाइम में इतनी गाड़ियां और ये चीजें तो नहीं होती थी। शिप्स पे या बोट्स पे वो लोग सफर करते थे। द सन बीम्स ट्रैवलिंग ऑन द फ्लोटिंग टाइड्स, फ्लोटिंग टाइड्स ये जो लहरें हैं, जैसे जहाज चलता है ना तो उसके पीछे थोड़ी देर तक उसकी लहर रहती है, बनती रहती है। तो कहते हैं कि वो अब वो जो सूरज की रोशनियां हैं वो उन लहरों पे पड़ रही हैं जो जहाज के चलने से पानी में इरताश आ रहा है, वाइब्रेशन हो रही है। वाइल मेल्टिंग म्यूजिक स्टील्स अपॉन द स्काई, और फिर आसमान से जो है वो इस तरह की हवा, क्योंकि थोड़ी तेजी से चल रही है और वो पानी के साथ टकरा रही है जब जहाज उसमें से गुजरता है, तो बड़ा खूबसूरत मेल्टिंग म्यूजिक यानी कि दिल को मोह लेने वाला जो उसमें मौसीकी है वो सुनाई दे रही है। एंड सॉफ्टेंड साउंड्स अलोंग द वाटर्स ड्राई, और पानी का जो रंग है वो भी बदल रहा है और साथ पानी की में से म्यूजिक की आवाज भी आ रही है। स्मूथ फ्लो द वेव्स द ज़ेफ़िरस जेंटली प्ले, फिर क्या हुआ कि वो लोग ज़ेफ़िरस कहा जाता है ये फ्रेश एयर को, कि खुशगवार हवाएं जो हैं बहुत जेंटली बहुत आराम से चल रही हैं, मतलब ठंडी हवा है और सब लोग जो हैं वो उन वेव्स को एंजॉय कर रहे हैं। बिलिंडा स्माइल्ड, बिलिंडा मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, और पूरी दुनिया बेफिक्र हो गई, यानी उसको मुस्कुराते देख के सब लोग अपना गम अपना दुख भूल गए। ये भी अंडरलाइन कर लें, ये भी जो है ना इसकी खूबसूरती को बयान किया हुआ है राइटर ने। All but the self with careful thoughts, इसको जब अगर तो ये लाइन टेक्स्ट में आ जाती है ना आपको फाइनल पेपर में, फिर आगे उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा तो आप ये भी लिखेंगे कि जैसे कोई भी एक शख्स है आपका, जैसे एक माँ है वो अपने बच्चे से बड़ा प्यार करती है, जब वो मुस्कुराएगा तो मदर जो है उसके लिए वो हर अपना दुख हर अपनी परेशानी भूल जाएगी। या आपको कोई शख्स, कोई छोटा बच्चा है, कोई सिस्टर्स में, ब्रदर में, पेरेंट्स में कोई इतना अजीज है कि जिसको आप खुश देखना चाहते हो, तो आपकी वजह से ही है। वैसे ही जब वो खुश होगा तो आप खुश नहीं भी हैं लेकिन आपको खुशी होने लगेगी। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि बिलिंडा को, क्योंकि सब लाइक कर रहे थे तो जैसे ही मुस्कुराई तो ऐसे हुआ कि पूरी कायनात बेफिक्र हो गई है, हर दुख से आज़ाद हो गई है। ऑल बट द सेल्फ विद केयरफुल थॉट्स ऑप्रेस्ड, हर कोई बेफिक्र था लेकिन वो सेल्फ्स नहीं थी, वो परियां नहीं थी जो उसकी हिफाजत पे मामूर की गई हैं। द इम्पेंडिंग वो सेट हैवी ऑन हिज ब्रेस्ट, और जो उसकी गार्डियन सेल्फ है जो बिलिंडा की हिफाजत करने वाली जिसका नाम एरियल था, वो सबसे ज़्यादा परेशान थी और वो उसके सीने पे उसके दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ रखा हुआ था। ही समन स्ट्रेट हिज डेंजन्स ऑफ एयर, अब उसने ये किया कि अपने जो डेंजन्स ऑफ एयर यानी जो इनहेबिटेंट्स थे, जो बाशिंदे थे हवा के, जो हवा में रहने वाली एरी स्पिरिट्स हैं, उन सबको बुलाया। समन बुलाना, बुलावा भेजना। द ल्यूसिड स्क्वाडन राउंड द सेल्स रिपेयर, अब उसने ये किया कि ये जो सेल्स रिपेयर है ना यानी ये जो जहाज के ऊपर कपड़ा सा एक होता है बड़ा सा, अगर आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा तो वो बादबान उसको कहा जाता है, तो उसने कहा कि सारे जो है ना वो इधर इकट्ठे हो जाओ। सॉफ्ट ओवर द श्रॉड्स एरियल विस्पर्स ब्रेथ, अब वैसे लोगों को तो ये जो विस्पर नज़र आ रहा था, विस्परिंग सुनाई दे रही थी सरगोशी, वो उन्हें ऐसे लग रहा था कि वो जो बादबान है कश्ती का, वो जो कपड़ा है ये उससे हवा टकरा रही है, तो उसके टकराने से एक आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है, लेकिन असल में ये सरसराहट जो थी या सरगोशी जो थी वो एरियल की थी जो अपनी वो सेल्फ को समझा रही थी। दैट सीम्ड बट ज़ेफ़िरस टू द ट्रेन बीनीथ, और फिर जो है बिलिंडा के आसपास जो लोग जितने भी वहां पे खड़े थे उन सबको भी ये विस्परिंग जो है वो सुनाई देने लगी, ये फ्रेश एयर के टकराने की हवा। सम टू द सन देयर इंसेक्ट विंग्स अनफोल्ड, अब बिलिंडा जो है वो क्योंकि बादबान के नीचे खड़ी है ना इसलिए वो सारे सेल्फ जो है उनको एरियल ने वहां पे बुलाया, तब उन्होंने ये किया कि अपने जो इंसेक्ट विंग्स के छोटे छोटे जो पर थे बड़े नाजुक से उनको अनफोल्ड कर दिया, फैला दिया। वेफ्ट ऑन द ब्रीज आर सिंक इन क्लड्स ऑफ गोल्ड, तो अब वो क्या, क्योंकि वो तो इतने छोटे छोटे सेल्स हैं या इतने नाजुक हैं ना कि वो हवा से इधर उधर लहलाते हुए उनके पर जो हैं वो फिर रहे हैं, तो कभी तो वो सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो वो गोल्डन हो जाते हैं, हवा तेज चलती है तो वैसे वो पर पड़ाने लगते हैं। तो ये उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे कि बेलिंडा तक जो है ना वो सूरज की तेज रोशनी भी ना पहुंचे, और हवा भी क्योंकि बड़ी तेजी से चल रही है तो हवा का प्रेशर भी इतना तेज ना हो कि बेलिंडा परेशान होने लगे, क्योंकि उन्हें वार्न कर दिया गया था कि बेलिंडा के साथ आज कुछ बुरा होगा।